तीन गैंग के गुर्गों ने हत्या और फिरौती की वारदात को अंजाम देकर दिल्ली पुलिस को चुनौती दी है। इस गैंग वॉर में काला जठेड़ी, टिल्लू ताजपुरिया और गोगी गैंग के नाम भी सामने आ रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। गैंग वॉर से दिल्ली दिल्ली पुलिस को बदमाशों का ओपन चैलेंज, कहीं हत्या कहीं फिरौती, दिल्ली क्राइम कैपिटल बनी। पहली वारदात मुंडका की है जहां बदमाशों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी, जबकि दूसरी वारदात एक व्यापारी से रंगदारी मांगने की है। रंगदारी मांगने वाले ने खुद को गैंगस्टर काला जठेड़ी का करीबी बताया। दिल्ली के मुंडका में शनिवार को एक युवक की हत्या से सनसनी फैल गई। शुरुआती जांच में इसे गैंग वॉर से जोड़कर देखा जा रहा है। बाइक सवार बदमाशों ने अपने एंटी गैंग के एक शख्स अमित की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसकी मौत हुई वो कुछ दिन पहले ही जेल से रिहा हुआ था। दिल्ली के मुंडका में कल देर शाम एक शख्स को गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया जाता है। जी हाँ, इस वक्त हमारी मौजूदगी घटना स्थल पर ही है। आपको बता दें कि कल देर शाम बाइक पर सवार दो अपराधी पहुंचते हैं और एक शख्स के ऊपर लगातार कई राउंड फायर करते हैं, जिसके बाद शख्स की मौके पर ही मौत हो जाती है। आशंका जताई जा रही है कि अमित गोगी गैंग से जुड़ा हुआ था और टिल्लू ताजपुरिया गैंग ने हमला कर उसकी हत्या कर दी। शुरुआती जांच में ये पता चला है कि अमित का कुछ आपराधिक लोगों के साथ उठना बैठना था। ऐसे में हत्या के पीछे गैंग वॉर का शक गहरा रहा है। पुलिस की टीम हमलावरों का पता लगाने के लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को खंगाल रही है। दिल्ली में अपराधी कितने बेखौफ हो चुके हैं, इसकी एक वानगी रोहिणी में भी देखने को मिली। यहाँ एक बदमाश ने ज्वेलर से फोन पर रंगदारी मांगी और खुद को काला जठेड़ी गैंग का सदस्य बताया। रंगदारी नहीं देने पर पूरे परिवार को अंजाम भुगतने की धमकी दी। गैंगस्टर काला जठेड़ी के नाम पर मांगी गई रंगदारी का ऑडियो अब वायरल हो रहा है। रंगदारी के लिए फोन करें तेरे पास? जी सर, रंगदारी के लिए तो किसी ने बोला कि रंगदारी मेरे से हो जाएगी, छोटी मोटी अपनी दुकान है सर। कोई दुकान नहीं सर, तेरा पैसा कमा रहा था। सर जी आप आके देख ली। पीड़ित कारोबारी गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन बदमाश उसकी बात सुनने को तैयार नहीं हुआ। फोन पर बताया कि कैसे व्यापारी अपने ऊपर कर्ज होने का हवाला देकर रंगदारी से बचने की कोशिश करता है, लेकिन बदमाश अपने रुख पर कायम रहता है। पूरी मार्केट दे रही है तेरी, तू अलग नहीं है। नहीं नहीं सर जी, किसी बंदे ने बोला है कोई चीज हो तो चीज होगी ना। अपने आपको बताया, मैं डीटीसी में कनेक्टर हूं, कनेक्ट से मैंने दुकान जो शुरू की है। मैं कनेक्टरी नौकरी करता हूँ। तो सर जी अगर पैसे हो तो सारे ले लो, पैसे तो तेरे पास है। व्यापारी की किसी भी दलील का रंगदारी मांगने वाले पर असर नहीं पड़ा और वो खुलेआम रुपयों की डिमांड करता रहा। काला जठेड़ी गैंग अपना खौफ फैलाने की कोशिश में है और इसी तरह डरा धमका कर रंगदारी वसूल कर रहा है, जिससे पुलिस के सामने चुनौती बढ़ गई है और सवाल देश की राजधानी दिल्ली के कानून व्यवस्था पर उठ रहे हैं। दिल्ली में सितंबर से लगातार कई वारदातें हुई हैं। 13 सितंबर को दिल्ली के जीके में जिम मालिक की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम सामने आया था। जिसके बाद 27 सितंबर को दिल्ली के नारायणा में कार शोरूम पर फायरिंग हुई। 28 सितंबर को नांगलोई के रोशन हलवाई की दुकान पर बदमाशों ने गोलियां चलाई थी। आरोप है कि ये फायरिंग गोगी गैंग ने रंगदारी के लिए कराई थी। 26 अक्टूबर को रानीबाग इलाके में बिजनेसमैन के घर पर फायरिंग हुई। 4 नवंबर को नांगलोई में प्लाईवुड शोरूम पर फायरिंग और 4 नवंबर को ही अलीपुर में प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस पर फायरिंग की वारदात हुई। इसके अलावा 6 नवंबर को पश्चिम बिहार में ताबड़तोड़ फायरिंग और 6 नवंबर को ही दिल्ली के द्वारका इलाके में गोलीबारी हुई थी, जिसके बाद 8 नवंबर को उत्तर पूर्वी दिल्ली के कबीरनगर में एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इन वारदातों के पीछे अलग अलग गैंग्स का हाथ सामने आया है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि दिल्ली में बदमाशों पर नकेल कब कसी जाएगी। टीम न्यूज़ नेशन।